मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। चोरी के पीछे क्या? रुको जरा, सबर करो। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद गजब बेइज्जती है। श्री राधे राधे। दोस्तों हम जिला दर्शन कर रहे हैं, जयपुर जिला लिया गया। समझ रहे हो? राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर नए जिलों का जो गठन किया गया है, उसी के तहत 7 अगस्त 2023 को जयपुर जिला बनाया गया। बात तो सही है। जयपुर जिले की भौगोलिक सीमा देखें तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्य सीमा और अंतर्वर्ती सीमा देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नहीं लगती है, न ही इसकी अंतर्राज्य सीमा लगती है, इसकी केवल अंतर्वर्ती सीमा लगती है, वो भी जयपुर ग्रामीण से लगती है। बहुत तेज हो रहा है। प्रशासन व्यवस्था, अगर हम प्रशासन व्यवस्था को देखें तो इसके अंदर उपखंड और तहसीलें कुछ इस प्रकार हैं कि जो क्या बोल रहा है, उबला हुआ अंडा मांग रहा है। अंडा जयपुर उपखंड है, आमेर उपखंड है, सांगानेर उपखंड है, कालवाड़ उपखंड है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो जयपुर उपखंड के अंदर जयपुर नगर निगम ये तहसील है, आमेर उपखंड के अंदर आमेर नगर निगम ये क्षेत्र तहसील में आएगा, सांगानेर उपखंड में सांगानेर नगर निगम उपखंड जो तहसील है वो आ जाएगी, कालवाड़ में कालवाड़ नगर निगम उपखंड है चोरी के पीछे का जो तहसील है वो आ जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं वर्तमान में जयपुर ज़िले के कलेक्टर कौन हैं, तो वर्तमान जिला कलेक्टर हैं वो है श्री प्रकाश राज पुरोहित जी हैं। उसके बाद ये संभाग देखें तो ये जयपुर है तो जयपुर संभाग में आएगा। बात तो सही है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर भाषा कौन सी बोलते हैं, तो भाषा हिंदी भाषा बोली जा रही है, इसके अलावा राजस्थानी भाषा बोलते हैं। अगर यहाँ पर इतिहास देखें तो इतिहास को हम 3 भागों में बांटेंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इतिहास के अंदर क्या कुछ प्राचीन नाम रहा, धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं और दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। तेरे पास कोई और रास्ता है? प्राचीन नाम के अंदर अगर से पूछे तो प्राचीन नाम में इसको जयपुर या ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाता था। अगर धार्मिक स्थल देखें, धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, तो शीला देवी का मंदिर है, छींक माता का मंदिर है, परनामी संप्रदाय की पीठ यहाँ पर है और गोड़वा गोड़िए संप्रदाय की पीठ यहाँ पर है। इसके बाद में अगर हम देखें, समझ रहे हो आप दर्शन स्थल के अंदर आमेर का किला दर्शन स्थल में आएगा। इसके बाद में नाहरगढ़ किला, जयगढ़ किला, हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल और नाहरगढ़ जैविक उद्यान, ये सभी दर्शन स्थल में आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं विशेष के अंदर ये है कि जयपुर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे और पी सत्यनारायण राव की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। जयपुर रुको जरा, सबर करो। जिले के अंदर राजस्थान संस्कृत अकादमी है, राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी है, राजस्थान उर्दू अकादमी है, राजस्थान ललित कला अकादमी है, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और जो हर कला के अंदर है, आदि ये कुछ विशेष महत्वपूर्ण बिंदु हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।